अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम समर अब्बास और मैं बात कर रहा हूँ अपने चैनल ट्रैवलिंग विद समर से। आज का व्लॉग जो है केसीआर के हवाले से, और केसीआर के हवाले से अपडेट केसीआर की देने के लिए मैं आज आया हूँ। और काफ़ी अर्से के बाद मैं आज केसीआर की अपडेट दे रहा हूँ। तो आज आपको बताते हैं कि केसीआर का काम कितना हुआ है और केसीआर का कहाँ तक पहुँचा है काम, और क्या FW का अमला यहाँ काम कर रहा है, वो सारा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं, ये FW का 13D वाला अंडरपास है, जो कि आज से कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो ये ज़ेर तामीर था। तो आज जब मैं आया तो मैंने देखा तो ये काफ़ी हद तक तामीर हो गया था। और जैसे कि FW का अमला यहाँ कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ की थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ। काफ़ी अर्से बाद मैं अपने व्यूवर्स को छोटी सी अपडेट दे रहा हूँ, और कुछ वजूहत की वजह से मैं अपने व्यूवर्स को अपडेट नहीं दे पाया KCR की। और इंशाल्लाह ताला आज से मैं अपने व्यूवर्स को डेली बाय डेली अपडेट देता रहूँगा। तो अंडरपास की सूरत हाल आप लोगों के बिल्कुल सामने है, और 13D का जो है रोड भी आप लोगों के बिल्कुल सामने है। मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ आप लोगों को पता चले कि यहाँ अभी तक कोई अमला मौजूद नहीं है और रेलवे का कोई काम नहीं हो रहा यहाँ। तो देख के बहुत खुशी भी हुई, बहुत अच्छा भी लगा कि यहाँ जो है अंडरपास जो है बन गया है। बट थोड़ा दुख भी हुआ कि अभी तक जो है इसका काम इन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, और जो दूसरा अंडरपास है उसका भी जो है इन लोगों ने अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया। वो जो है उसकी अभी तक छत भी नहीं डली, जैसे कि आप लोग छत देख रहे हैं ये वाली, उसकी भी छत अभी तक नहीं डली। उसकी बस छोटी छोटी बाउंड्री वॉल्स जो है उन लोगों ने जो पहले रेडी की थी वही रेडी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो है उसकी वीडियो बना के नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगा उसकी वीडियो के क्या क्या उधर उस अंडरपास में हुआ है। उसके अलावा और कहीं काम नहीं शुरू है रेलवे का, क्योंकि मुल्की हालात आप लोगों के बिल्कुल सामने हैं कि हालात कैसे चल रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट भी चेंज हुई है, तो अभी तक काम शुरू हुआ नहीं है। जैसे होगा इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को फिर भी दिखाऊँगा, और यहाँ इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द रोड। एक चीज़ और दिखाता चलूँ मैं आपको, ये देखें यहाँ पहले सरिये वगैरह लगे हुए थे, तो यहाँ जो है जब कोई अमला नहीं है या FW का कोई वर्कर नहीं है उसकी बुनियाद पे, ना सिक्योरिटी है कोई यहाँ, तो देखें यहाँ से जो है सरिये वगैरह निकाल लिए गए हैं काट काट के। अभी ये बच गए हैं, ये भी नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो ये भी नहीं मिलेंगे आपको। तो मैं अभी नीचे खड़ा हूँ इसके अंडर पास के नीचे, और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा, गवर्नमेंट चेंज तो हुई है जैसे हालात हो रहे हैं मुल्क के, तो अगर जल्दी हो गया तो जल्दी इंशाल्लाह ताला यहाँ KCR का मंसूबा शुरू हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। या अभी जो है जैसे जैसे काम चल रहा है, काम तो बहुत स्लो चल रहा है, और आगे अगर बढ़ता है काम तो उसकी भी अपडेट मैं आपको दूँगा। और बाकी ये है कि ये सूरत हाल थी हमारी KCR के काम की, और आगे जैसे जैसे अपडेट आती है वो भी आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी चलते हैं। काम की सूरत हाल आप लोगों के बिल्कुल सामने है, काम वगैरह अभी तक इतना स्टार्ट हुआ नहीं है। ये भी तकरीबन 2-3 महीने से ऐसे ही काम पड़ा हुआ है, और FW का अमला जो है पहले इन लोगों ने ये बनाया है वो अंडर पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस पर अभी तक काम शुरू हुआ नहीं है। और KCR का काम बिल्कुल ठप कर दिया जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, तब से ये जो है काम वगैरह सारा ठप कर दिया गया है। तो बाकी जैसे जैसे होता है काम वैसे वैसे आप लोगों को दिखाऊंगा और भी। और आजकल जो काम कराची में चला मेट्रो बस का, तो उसका भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तो चलते हैं घर के जाने। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ताला आज से आपको डेली ब्लॉग मिलेंगे हमारे।